तहरीके रबैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से जो ट्विटर ट्रेंड चला था तहरीके रबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानब से वो तकरीबन 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका है और पूरी दुनिया के अंदर ट्विटर ट्रेंड को काफ़ी तरीके से देखा गया और टेक्निकल जो लोग जानते थे उन्होंने भी उससे चेक किया कि कहीं आई डी फेक तो नहीं है, लेकिन मालूम करने पर यह बात क्लियर हो चुकी है कि तकरीबन 90% ऐसी आई डीज हैं जो ओरिजिनल आई डीज हैं, यानी कि हर फर्द अपनी अलग आई डी चला रहा है, ना कि ये है कि एक बंदे ने 10 आईडियां बनाई हुई हैं। तो तहरीके लबैक पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा बड़ी खबर यह सामने आ चुकी है कि बीबीसी न्यूज़ जो कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा माना जाने वाला मीडिया है और कहते हैं कि जो बीबीसी न्यूज़ पर खबर आ जाती है वो तो फिर पूरी दुनिया में ही वायरल हो जाती है। बीबीसी न्यूज़ ने यह बात की है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर अलामा साद हुसैन रिजवी साहब की उन पर जो जुल्म उस्तम किया गया उसके खिलाफ तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान ने जो ट्विटर ट्रेंड चलाया है उससे हुकूमत पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा दबदबा पड़ा है तहरीके लबैक पाकिस्तान का, और वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे कायदे मोहतरम को रिहा